हेलो गाइस, आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं जो कि वैगन आर के होने लिए पैनल्स काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं। नीचे के देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से रनिंग बोर्ड का बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुका है और नीचे के दरवाजे जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गए हैं और डिक्की की भी हालत देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गई है। बम्पर भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं जो देख सकते हैं कि यहाँ पर मिडगार्ड में भी देख सकते हैं क्लियर कोट काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है और मिडगार्ड में देख सकते हैं पेंट भी काफ़ी जगह से उखड़ गया है, तो उसको भी हम लोग पेंट करेंगे बराबर से। पहले हम लोग पूरे मिडगार्ड को डेंटिंग अच्छे से करेंगे जो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे डेंटिंग हुआ पैनल को। बाकी बम्पर में भी जिंगा जिंगा थोड़ा टूट गया है और बम्पर को भी हम लोग रिपेयर करेंगे पूरा खोल के। यहाँ पर भी देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फट गया है, तो उसको भी हम लोग जो है बना के रिपेयर कर देंगे एकदम। अभी बोनट पे देख पाएंगे कि यहाँ पे जो है डेंट्स हैं छोटे छोटे से, तो उसको भी हम लोग रिपेयर करेंगे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेंट्स पड़ गया है, काफ़ी बड़ा डेंट है यहाँ पे, तो उसको भी हम लोग डेंटिंग से बराबर कर देंगे एकदम पूरा। डिग्गी में भी यहाँ पे डेंटिंग शुरू हो चुकी है हमारी। डेंटिंग का प्रोसेस हम इसमें बहुत कम दिखाएंगे आपको, बाकी जो है बॉडी फिलर का फिलिंग का पूरा प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे इसमें। इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी डेंटिंग का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पूरा पैनल पे जो बोनट है यहाँ पे जो है और बाकी मिडगार्ड है यहाँ पे देख पा रहे होंगे किस तरह से डेंटिंग से बराबर कर दिया गया है। कहीं पे गड्ढा या कुछ नहीं लग रहा है, पूरा डेंटिंग से बराबर प्रॉपरली डेंटिंग करी गई इस पर। बाकी इधर के भी देख सकते हैं, नीचे के पैनल भी देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घुसे हुए थे जो डेंट्स काफ़ी ज़्यादा पड़े थे, उसको भी हम लोगों ने बराबर किया है। बाकी इसमें तो बॉडी फिलर से बनाना पड़ेगा। जो डिग्गी आप देख सकते हैं यहाँ पे डिग्गी इस तरह की, यहाँ पे डिग्गी थी देख सकते हैं, यहाँ डिग्गी देख सकते हैं किस तरह से डेंटिंग बराबर से की गई है एकदम इसमें। तो यहाँ पे बॉडी फिलर का हमारा काम शुरू हो चुका है जिसपे हम बॉडी फिलर का यूज़ करेंगे इसमें। देख पा रहे हैं जितना डेंट्स किया है वहाँ पे, जितने रेगमाल की जो हम लोगों ने जितना लगाया है उतने ही में बॉडी फिलर हम लोग यूज़ करते हैं। एक्स्ट्रा बॉडी फिलर जो भरते हैं वहाँ से उखड़ जाता है, अगर रेगमाल नहीं लगता है तो उखड़ जाता है, तो रेगमाल भी बहुत ज़रूरी होता है सही से लगाना। यहाँ पे हमारा बॉडी फिलर देख सकते हैं कि दरवाजे में भी किस तरह से भरा जाएगा, क्योंकि पैनल काफ़ी ज़्यादा डैमेज है इस वजह से बॉडी फिलर का भी यूज़ थोड़ा सा करना पड़ेगा हम लोग को ज़्यादा। बाकी रनिंग बोर्ड में भी काफ़ी ज़्यादा बॉडी फिलर का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि रनिंग बोर्ड बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुका है, उसको भी उसी को हम लोग रिपेयर कर रहे हैं। बॉडी फिलर का यूज़ करके एकदम बराबर से कर देंगे, उसके बाद हम लोग इसको फिलिंग अच्छे से कर देंगे ताकि वो एकदम बराबर आ जाए। देख सकते हैं कि आप किस तरह से बॉडी फिलर का हम लोग यूज़ करते हैं गाड़ी पे। यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉडी फिलर का पूरा भर चुका है यहाँ पे हमारा बराबर से एकदम। बम्पर भी इसी तरह से बॉडी फिलर का यूज़ चिपता हुआ था, वहाँ पे देख सकते हैं भर गया पूरा बॉडी फिलर इसमें भी। बाकी डिक्की में भी आप देख पाएंगे कि बॉडी फिलर का भर गया है पूरा यहाँ पे। धार जो होती है वो पूरी धार भी उन्होंने बॉडी फिलर से बना दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा बॉडी फिलर सैंडिंग का काम शुरू हो चुका है। अगर गाड़ी आप पेंट कराते हैं तो डेंटिंग का प्रोसेस जो है बहुत एकदम सही होना चाहिए और उसके बाद जो बेस बनता है उसका प्रोसेस भी एकदम बराबर सही होना चाहिए। बेस का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसकी वजह से आपकी लैंडोर जो होती है, धार कोर जो होती है, वही बेस बनता है, उसी से बॉडी फिलर से ही बनता है। डेंटिंग से जितना हो पाता है उतना ही बराबर आ पाता है, बाकी तो जो है बेस जो बनता है वो बॉडी फिलर से ही बनता है। क्योंकि बॉडी फिलर का यूज़ हम लोग उतना ही करते हैं जितनी वहाँ पे ज़रूरत होती है, बाकी जितना होता है काट के हम लोग निकाल देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पुटीन काटने का काम शुरू हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पुटीन मेरी हमारी बराबर से एकदम कट चुकी है। पुटीन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे इसमें। बाकी हमारा प्राइमर का और इंची सिल्वर का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था, तो यहाँ पे सिर्फ हमारा सैंडिंग होगी इस पर, उसके बाद फाइनली यहाँ पे हमारा पेंट का काम शुरू हो जाएगा।
गाड़ी पे जो कलर है वो सिल्की सिल्वर है। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा पेंट का काम शुरू हो चुका है। फाइनली यहाँ पे हमारा क्लियर कोट का काम शुरू हो चुका है कि हम लोग दो कोट करेंगे। बाकी जब दो कोट हम लोग फिनिश करते हैं तो शाइनिंग तभी आती है बहुत अच्छे से। बाकी उसके बाद सैंड हो के उसके बाद जो है रबिंग पॉलिश हो जाती है, एकदम स्मूथ हो जाता है। लगता नहीं है कि गाड़ी पैनल पेंट हुआ है या कुछ भी है, नहीं पता चलता इससे। उम्मीद है आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में।